दोस्तों, क्या आप कभी सोचे हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के जगह बाबरी मस्जिद बन गया होता तो वहां से कोई और कैंडिडेट जीत जाता? नहीं जीतता, क्योंकि यहां के 21% मुसलमान बाबरी मस्जिद बनाने वाले को ही वोट देते, चाहे वह उसके दरवाजे पे जाता या नहीं जाता। यही फर्क है सेकुलर पढ़े लिखे हिंदुओं में और मुसलमानों में। जो दल सालों से चल रहे जद्दोजहद को खत्म करके भगवान राम का मंदिर बनवा दिया, जिस अयोध्या में कोई झांकने तक नहीं जाता था, वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौड़े रोड, बिजली और अनगिनत विकास का काम किया, वहीं पार्टी अयोध्या से हार गई। इसका मुख्य कारण है हिंदुओं की अपनी धार्मिक आस्था में अविश्वास होना। 5 लाख लोगों ने तो मंदिर बनाने वाले को वोट दिया, लेकिन 5.5 लाख लोग जो विपक्ष में वोट दिए, उसमें अधिकतर वामी और इस्लामिक छवि के लोग हैं, जिन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। हम चिंतित अयोध्या का सीट हारने से नहीं हैं, हम चिंतित हैं तो हिंदुओं का हिंदू धर्म के प्रति बढ़ता निकृष्ट आस्था से हैं। हमें लगता है कि हिंदुस्तान का हिंदू अभी भी अपने पूर्वजों द्वारा की हुई गलतियों से कुछ नहीं सीखा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जातियों के चाल में जब भी हिंदू बटेगा, सांप बनकर फिर सपोला सभ्यता को डसेगा। दोस्तों, ईसाइयों का धार्मिक स्थल है वेटिकन सिटी, जहां पर एक भी गैर ईसाई नहीं है। मक्का में एक भी गैर इस्लाम नहीं है, लेकिन हिंदुओं के पवित्र धाम अयोध्या जैसे दिव्य धार्मिक शहर में गैर हिंदू बढ़ते ही जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान की पवित्रता के लिए संकट का बात है। भारतीय सभ्यता के विखंडन का डर दूसरे धर्म वालों से नहीं है, बल्कि उन हिंदुओं से है तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू अपनी धार्मिक पहचान भूलकर सिर्फ अपनी जातीय, क्षत्रिय, भाषाई पहचान याद रखता है, और वहीं मुगल अपनी जातीय, भाषाई और क्षत्रिय पहचान भूलकर सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान याद रखता है। अयोध्या में आज भी अनेक मस्जिदें हैं, जिसमें हर रोज अजान भी हो रही है। क्या वहां अजान रोकने के लिए कोई आदेश दे सकता है? क्या अयोध्या में गैर हिंदू के प्रवेश पर पाबंदी हो सकती है? क्या अयोध्या से विश्व के अन्य देशों को तो छोड़ो, भारत में किसी पंचायत के चुनाव को भी प्रभावित करने का प्रयास हो सकता है? यह तमाम प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक ही होगा, क्योंकि अयोध्या न वेटिकन सिटी बन सकता है और न ही मक्का। हमारे यहाँ धर्म और राज्य दोनों के प्रभाव क्षेत्र ही अलग है। धर्म का प्रभाव अध्यात्म के आधार पर व्यक्ति की उन्नति के लिए है, और राज्य सत्ता का प्रभाव प्रशासन के आधार पर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्तता के लिए है। दोनों में कोई द्वंद नहीं है, पर हमारे यहाँ दोनों हमेशा अलग ही रहे हैं। शासन चलाते समय धर्म का आधार स्वाभाविक है, पर धर्म के ऊपर शासन का प्रभाव हमें स्वीकार्य नहीं है। राम मंदिर और अयोध्या धर्म का प्रतीक है, इसलिए उसका प्रभाव भारत के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही रहेगा, और अध्यात्म के आधार पर नवपल्लवित हुई भारतीय संस्कृति विश्व के अस्तित्व का आधार बनेगी। यही हमारी विश्व गुरु बनने की संकल्पना है, और विश्व गुरु बनने का मार्ग अयोध्या से प्रशस्त हो चुका है। पता नहीं पिछले कितने सदियों पहले ऐसा दिन इतिहास पुरुष ने देखा होगा। बर्बरता की पराकाष्ठा में जब 1528 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी से तुड़वाया, तब उसको भी पता नहीं होगा कि भारत की परंपरा, प्रकृति और संस्कृति को बदलने के लिए भारत के अधिष्ठान ऐसे भगवान राम के जन्म स्थान को तोड़कर जो एक ढांचा खड़ा कर दिया, 495 वर्ष के बाद उसी अधिष्ठान को भारत के लोगों ने फिर से प्रतिस्थापित कर गजवा ए हिंद के उसके सपने को चकनाचूर कर दिया। बाबर हिंदुओं को काफिर मानता था, इसलिए उसने बहुत अत्याचार हिंदुओं पर किए। उसने 2 महत्वपूर्ण मंदिर तोड़कर वहां मस्जिदें बनवा दी। पहले जब उसने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया, तो वह विजय की निशानी के तौर पर वहां काबुली बाग मस्जिद बनाई। राम जन्मभूमि को तोड़ वहां बाबरी ढांचा बनाया। उससे अगर बाबर के नियत का पता नहीं चलता है, तो एक और मंदिर जिसे तोड़वाकर बाबर ने मस्जिद बनवाई, उसका इतिहास जानना चाहिए। बाबर ने संभलगढ़ में स्थित एक मंदिर तोड़ वहां भी मस्जिद बनाई। उस मंदिर का हिंदुओं के लिए कितना महत्व था, यह बात सिर्फ इसी बात से स्पष्ट हो जाएगी कि जो मंदिर तोड़ा गया वह भगवान कल्कि का मंदिर था। और हिंदुओं में यह मान्यता है कि भगवान जब कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे, तो वह जगह वही होगी जहाँ संभलगढ़ में मंदिर था जिसे तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनाई। अर्थात बाबर भारत पर सिर्फ लूट करने के लिए शासन में नहीं आना चाहता था,
या फिर शासन करने के लिए भी शासन में नहीं आना चाहता था। उसका इरादा बहुत स्पष्ट था, भारत से भारतीयता, भारत से हिंदुत्व को समाप्त कर इस्लाम का परचम लहराना। राम मंदिर को तोड़कर बाबर ने भारत की आत्मा बदलने का प्रयास किया था। अब जहां भव्य राम मंदिर बन चुका है, तब यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत की आत्मा अमर है। सऊदी अरब की सरकार मक्का में गैर मुस्लिमों को प्रवेश नहीं देती और उसका कारण बताया जाता है कि किसी भी गैर मुसलमान के प्रवेश से मक्का अपवित्र हो जाएगी। दुनिया भर के मुसलमान मक्का की हज पर जाते हैं। दुनिया के मुसलमानों में से वहां उन लोगों को ही प्रवेश मिलता है जिनके पासपोर्ट पर उनके मुसलमान होने का ठप्पा हो। और सिर्फ यही वजह है कि पाकिस्तान में जो अहमदिया मुसलमान हैं, वे पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मक्का नहीं जा सकते क्योंकि पाकिस्तान उनको मुसलमान नहीं मानता। लेकिन यहाँ अयोध्या की बात करें तो यहाँ के गैर हिंदुओं को तो छोड़िए, सेकुलर हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने भगवान राम के भक्तों पर गोली चलाने वाली पार्टी को वोट देकर जिता दिया। क्या कहा जाए इस देश को, यदि ये हालत रहा तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में यहाँ का हिंदू कभी अपने विरासतों पर गर्व कर सकेगा। हमें अपने विरासतों पर गर्व करना होगा, हमें अपने सभ्यता को बचाना होगा, हमें अपने संस्कृति को अक्षुण रखना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमसे जुड़ जाएं।